haters gonna hate, but I think Pushpa is going to rock the world. जी हाँ, Pushpa the rule, जिसके ऊपर जो तीन दिन से लगातार trend कर रही है, वो मुझे पता था, मैंने इसके ऊपर news आपको दो दिन पहले ही बता दी थी, तो मुझे लग रहा था यार repetitive हो जाएगा, एक ही चीज तो मैं बता चुकी हूँ, but still यार अब तो बनता है, क्योंकि आज तीसरा दिन है, आज भी टॉप ट्रेंड पे चल रही है, एंड आई थॉट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इट. ठीक है, क्या तो न्यूज आई है भाई, अब तक सारी दुनिया को पता चल चुकी है, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात तो जरूर करेंगे, साथ साथ में बात करेंगे कि पुष्पा के जो हेटर्स हैं इस वक्त पे, क्या उनके दिल पर बीत रही है, सब कुछ इस वीडियो में. वीडियो के अंत जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब, फटाफट से मैं वाइंड अप करूंगी, बिकॉज ये न्यूज सभी को पता है अभी तक कि पुष्पा ना सिर्फ यहां तक रहने वाली है, पुष्पा पार्ट 3 भी आएगी. मैंने बहुत पहले ये न्यूज एक बार ब्रेक करी थी, बताई थी कि पुष्पा 3 भी आएगी, पुष्पा का थर्ड पार्ट भी आएगा, और उस वक्त पर कई लोगों ने बोला था वी थिंक इट्स टू अर्ली, और ऐसा तो कहीं पर भी न्यूज नहीं आ रही है, ऐसा तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है. आप देख लो सारी दुनिया उस न्यूज के बारे में बातचीत कर रही है. मैंने आपको परसों भी जब एक न्यूज दी थी कि पुष्पा जो है ये इसके कैरेक्टराइजेशन के बारे में बताया गया है, अल्लू अर्जुन ने खुद बताया बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में, जिसकी फोटोज यहां से आ रही है, कि ये कैरेक्टर जो है इसको आपने जो फर्स्ट पार्ट में देखा था शेखावत के साथ, जो उसकी रंजिश थी, वो सेकंड पार्ट में और भी एक बड़ा चेंज लेने वाला है वो कैरेक्टर, और थर्ड पार्ट भी इसका होगा, ये यहां तक सीमित नहीं रहेगी, इसके आगे भी होगी. सो बॉस, अब जो है इस न्यूज पर पूरी दुनिया बवाल मचा चुकी है, खुद अल्लू अर्जुन ये बात जब मुंह से बोल रहे थे ना, तो फिर रिपोर्टर्स खुद वहां पर बैठकर ताली बजा रहे थे, देवर ऑल इंटरनेशनल मीडिया. तो सोचो पुष्पा की पहुंच कहां तक है, मतलब फ्लावर समझे क्या, फायर है, लिटरली फायर है, भूल गए थे वो सब बातें. इनफैक्ट बहुत सी चीजें ये भी हो रही थी, पुष्पा भाई पोस्टपोन हो रही है, पुष्पा के बारे में तो कुछ पता नहीं है, अभी तो लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है, पुष्पा की बात ही कौन कर रहा है, लेकिन अब जो पुष्पा की बात होनी शुरू हुई है ये चलती रहेगी टिल द टाइम ऑफ रिलीज, विच इज फिक्स्ड 15th August 2024. जी हाँ, इस डेट पर ये फिल्म रिलीज हो रही है. अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हेटर्स कह लो, ट्रोलर्स कह लो, कि अल्लू अर्जुन के ना बनी के बहुत सारे सोशल मीडिया पर एंटी लोग रहते हैं, और वो यही करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मीम निकालना, कुछ ना कुछ फनी उसमें से बात निकालना, बट द पॉइंट इज दैट पुष्पा हैज बिकम अ हाउसहोल्ड नेम, नॉट जस्ट इन फैंस, बल्कि जो हम न्यूट्रल ऑडियंस, हिंदी ऑडियंस की बात करते हैं, आई थिंक अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे जरूरी फिल्म जिसने उनको हिंदी ऑडियंस में और ग्लोबल ऑडियंस में इतनी बड़ी पहचान दी है, इस पुष्पा. ठीक है, नाउ द रूल विल हैपन. अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा भाई, जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, जब राइज हम देख चुके हैं, रूल हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्या होगा, तीसरा आर क्या होगा, जैसे RRR में था, वो तीसरा आर क्या होगा, क्या वो रोर होने वाला है, क्या होने वाला है, बट राइट नाउ इट्स गिविंग अस अ लॉट ऑफ होप कि भाई फिर तो पुष्पा 2 भी मतलब विल बी ओवरलोडेड विद अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट फैक्टर, मतलब भारी पड़ी होगी. सोचो जब जिसका जो तीसरे पार्ट तक छलक रही है, तो वो कितनी जबरदस्त उसमें यू नो एंटरटेनमेंट फैक्टर होगा. सो आई एम लिटरली थ्रिल्ड आफ्टर दिस. बहुत सी न्यूज फ्लोट अराउंड करी थी, मैंने कहा फटाफट मुझे भी कुछ ना कुछ दो चार लाइनें बोलनी जरूर चाहिए इस पे फॉर पुष्पा फैंस, ऑफकोर्स वी आर ऑल बनी फैंस. ठीक है, सो अब आपका इस पे क्या रिएक्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी फिर लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉस्ट ऑल फंक्शन.